हमारी चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। इसमें अनेक ऐसी वनस्पतियाँ पाई जाती है जो चमत्कारिक गुणों से भरी होती है। ये चमत्कारिक जड़ी बूटियाँ और पेड़ पौधे हमारे आसपास में ही होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण हम इसके गुण और फायदे से अनजान होते हैं। दोस्तों, ये जड़ी बूटियाँ आयुर्वेद का अमृत है। मनुष्य जीवन को लंबी आयु और स्वस्थ रखने की इसकी अहम भूमिका होती है। दोस्तों, ऐसी ही एक चमत्कारिक जड़ी बूटी के बारे में आज हम आपको बताएंगे, जिसका नाम है घनेरी। घनेरी वनस्पति ऐसी है जो हमारे आसपास में पाई जाती है, लेकिन इसके गुणों के बारे में हम नहीं जानते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी आप तक पहुँचाने की हमारी कोशिश रहती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, इस जड़ी बूटी को रायमुनिया भी कहा जाता है। मराठी में इसे तणतणी और घाणेरी से भी पहचानते हैं। दोस्तों, संस्कृत भाषा में इसे अग्निमथ भी कहा गया है। इसका अंग्रेजी नाम है लेंटना कैमरा। कन्नड़ में नताहू और तेलुगु में पुल्ली कंपा कहते हैं। दोस्तों, आपके क्षेत्र में इस पौधे को किस नाम से जानते हैं, ये जरूर बताएं। दोस्तों, ये पौधा झाड़ीनुमा होता है और बहुत फैलता है। ये ज़्यादातर आपको नदी के किनारे के पास, तालाबों के आसपास और जहाँ पानी भरा रहता हो, ऐसी जगहों पर आसानी से मिल जाता है। इसे इस प्रकार के पत्ते और गुच्छों में पुष्प लगते हैं जो रंग बिरंगी होते हैं। दोस्तों, यदि आप सर्दी, जुकाम या सरदर्द से परेशान है तो इसके पत्तों को तोड़ लीजिए और हाथों में लेकर मचल कर सूंघे। इसे सूंघने मात्रा से ही सरदर्द ठीक हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे पौधे में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो मच्छरों को भगाने में बहुत कारगर होते हैं। दोस्तों, घर के आसपास से मच्छरों को भगाना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ये मलेरिया को निमंत्रण देता है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि मच्छरों को काटने से मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास में गंदगी ज़्यादा रहती हो, पानी का जल भराव रहता हो, तो ऐसी स्थिति में मच्छर जल्दी से उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप घनेरी के पत्तों का उपयोग करें। दोस्तों, घनेरी के पत्तों को ज्यादा मात्रा में तोड़कर जहां पानी भरा रहता हो, गंदगी हो, उस स्थान पर डाल दें। ऐसा करने से उस स्थान से गंदी बदबू आना दूर हो जाता है और मच्छर नहीं पनपते, जिसके कारण डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां दूर रहती है। दोस्तों, इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर चाय बनाकर पीने से शरीर में स्फूर्ति आ जाती है और कमजोरी दूर हो जाती है। दोस्तों, इसकी पत्तियां एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। इसमें जीवाणुरोधी गुण पाए जाते हैं। इसकी पत्तियों को पीसकर और इसका रस घाव पर लगाने से घाव शीघ्र भर जाता है तथा फोड़ा फुंसी पर लगाने से ये जल्दी से ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, इस पौधे को पशु नहीं खाते। ये बहुत फैलता है, लेकिन मनुष्य के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, रात्रि के समय में अगर मच्छर ज्यादा हो जाए तो इसकी पत्तियों को लेकर जलाएं। इसके धुएं से मच्छर भाग जाते हैं। इसके अलावा ये पौधा पशुपालकों के लिए भी बहुत लाभकारी है। इसकी पत्तियों का धुआं देने से पशुओं के आसपास भी मच्छर नहीं फटकते। दोस्तों, ये दांतों के दर्द को भी ठीक करता है। इसके लिए इसकी पत्तियों को हल्की धीमी आंच पर उबालें। जब एक चौथाई शेष रहे तब उसे उतारकर इससे कुल्ला करें। इस प्रयोग से दांतों के दर्द में बहुत आराम हो जाता है। इसका सेवन करने से बुखार भी ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।